हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और आप दोस्तों, हम लोग साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए, ये साइंस के क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए, यहीं से बनते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, ये पास्ट ईयर में आपसे पूछे गए होते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, वो लेकर चलते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न के ऊपर भी बातचीत करते हैं जिनके आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर आप 30 क्वेश्चन का जो है ये सेट आप डेली हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो महीने में आपको 30 90 यानी 900 जो होता है यहां पर 900 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। याद रखिए और अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, यह एक प्रकार से किससे संबंधित है, आर एच कारक या आर एच फैक्टर। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आर एच फैक्टर होता क्या है, पहले ये आप ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए, आर एच फैक्टर जो होता है यह एक तरह का एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, पहली बात आप याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए, आर एच फैक्टर सबसे पहले देखा गया था रीसस नाम के एक बंदर में। किसमें देखा गया था? रीसस नाम के एक बंदर में देखा गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंदर। और तीसरी बात याद रखिए, इसको किसने देखा था? तो इसको देखा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने दोस्तों ब्लड ग्रुप का खोज किया है, यानी AB और O जो पढ़ते हैं, ये ब्लड ग्रुप भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखेगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें से कौन सा तना नहीं है ये आपको बताना है। तो गन्ना भी तना होता है, अदरक हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये भी पिछली क्लास में बताया था आपको, ये सब तना है। शकरकंद दोस्तों, शकरकंद को वैसे तो इंग्लिश में हम लोग स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं, बट ये पोटैटो नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए, ये पोटैटो नहीं होता है। पोटैटो जो होता है वो तना होता है, लेकिन शकरकंद क्या होता है? जड़ होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखिएगा। ओके, जड़ हो जाएगा यहां पे राइट आंसर। तो आगे देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, मतलब कौन सा पर्यावरण का मित्र नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम और पीपल। यहाँ पर जो यूकेलिप्टस दे रहा दोस्तों, इसको प्रकृति का आतंकवादी भी कहा जाता है, प्रकृति का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है यूकेलिप्टस को? क्योंकि जो यूकेलिप्टस होता है ना, ये जमीन से जल को ज़्यादा सोखता है, जिसकी वजह से अगल बगल की ज़मीनें क्या हो जाती हैं? अनुपजाऊ हो जाती हैं। अगल बगल की जो ज़मीनें होती हैं वो अनुपजाऊ होती हैं, क्योंकि वहाँ से जल का अवशोषण हो जाता है। इसी वजह से यूकेलिप्टस को क्या माना जाता है? प्रकृति का मित्र नहीं माना जाता, उसको आतंकवादी माना जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो यूकेलिप्टस होता है ये किस तरह का पौधा है? तो याद रखिए, एक तरह का आवृतबीजी पौधा है। कैसा है यह? एक तरह का आवृतबीजी पौधा है। कोई दिक्कत आपको? तो इतनी बात कम से कम आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है, गेहूँ में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? बड़े इत्मीनान से सोच के उत्तर दीजिए, धीरे धीरे हम टिपिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग का कहना है कि सर आप बड़े आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, अभी नई नई सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, और मुझे लगता है ये 6वीं सीरीज आपकी चल रही है। आप 10-15 सीरीज पूरा होने दीजिए, थोड़ा सा लोगों को आदत पढ़ने दीजिए। अगर एक साथ हम तुरंत इतने हाईफाई क्वेश्चन उठा लेंगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा ना। साइंस है भाई, साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए, कह रहा है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? अरे यार, ये छोड़ो, आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि गेहूं में, देखिए, हर आप जो है चीज़ से सान करके आप आटा नहीं तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप कभी कोशिश करो, आप बेसन का आटा बना सकते हो या मैदे का या फिर गेहूँ का, लेकिन इसके अलावा आप कोई और चीज़ उठा लो, आप उससे आटा नहीं बना सकते हो। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है। चावल का भी आप अगर आपको रोटी बनाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है, यानी उसमें जो है रोटी बनाने के गुण नहीं होते हैं। हालांकि उसमें कुछ मिक्स करके कर सकते हो अलग से, लेकिन गुड़ जो होते हैं वो नहीं होते हैं। याद रखिए, गेहूं में जो आटा गूंथा जाता है उसमें एक विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक विशेष तरह का प्रोटीन पाया जाता है, और आपको उसी प्रोटीन का नाम बताना है। उसका नाम है ग्लूटीन। क्या नाम है? याद रखिए, उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन, जो गेहूं में पाया जाता है, और इसी की वजह से गेहूं का आटा जो है अच्छे से गुथा पाता है। बाकी में यह कम होता है, इसलिए नहीं गुथा पाता है। ठीक है, आगे देखिए, कर फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है।
अब आपको लगेगा सर ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है कि फलों में और सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता हो, और अगर चलो किया भी जाता है तो किस लिए किया जाता है? कह रहा फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए। हाँ एक पल के लिए, ये आंसर बिल्कुल सही है, एक पल के लिए, क्योंकि जो सेब वगैरह होता है ना उसकी पॉलिशिंग किया जाता है, लेकिन मोम का घोल, घोल बोल रहे दोस्तों, मोम का इस्तेमाल तो देखो पॉलिश और चमक के लिए किया जाता है, लेकिन जो घोल कह रहा है घोल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। कह रहा उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, हाँ ये देखो सही उत्तर है आपका। इससे क्या होता है, जो फल होते हैं सब्जी होते हैं उनकी स्टोरेज करने पर अगर इस तरीके से स्टोर करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक चलेंगे, ज़्यादा समय तक वो होते हैं संरक्षित रहते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है तो ये सही हो जाएगा। कह रहा है उनकी पकने की गति में तेज़ी लाने के लिए, तो फलों को पकाने उकाने के लिए या सब्जियों को पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है तो यहाँ याद रखिएगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा दलहन शोध संस्थान कहाँ पे, कानपुर में है। देखिए दाल और चीनी याद रख लीजिए, ठीक है, हालांकि मसाला होता है बट मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। दाल अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है, चीनी अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में है, लेकिन चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है तो कम से कम इतनी बातें आप याद रखिएगा, तीन बातें आप यहाँ पे याद रखिएगा, कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। करें टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं कहाँ से? भाई टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? करें बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से या श्रीलंका से? ठीक है तो याद रखिए पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं टिड्डियाँ भारत में, और भारत में आने के बाद जो कपास की खेती होती है भारत में उनको बड़ा प्रभावित करती हैं, या जो आसपास के राज्य हैं ठीक है उनमें टिड्डियाँ प्रवेश करके हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो याद रखिएगा टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? पाकिस्तान से। जुगनू दोस्तों देखा होगा आपने, ठीक है जुगनू का अब तो नहीं देखने को मिलता है बट याद रखिए जुगनू, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? आप देखते होंगे कि जुगनू के पीछे जो होता है एक लाइट जलता रहता है, ठीक है एक्चुअली में उसके अंदर तो यार कोई इन्वर्टर और बैटरी तो लगा नहीं है, फिर जुगनू के अंदर इस तरह की लाइट कैसे होती है? कह रहा प्रतिदीप्ति की वजह से, स्फुर दीप्ति की वजह से, या फिर वायुदीप्ति की संदीप्ति की वजह से, या बुदबुदन की वजह से? तो याद रखिए जुगनू के अंदर जो ये परिघटना होती है वायु संदीप्ति की वजह से होती है, ठीक है यह वायु संदीप्ति की परिघटना के कारण वह शीत प्रकाश देता है। ठीक है अच्छा जुगनू में होता क्या है? याद रखिए दोस्तों इसमें एक विशेष तरह का एंजाइम होता है वो इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में उस एंजाइम का नाम पूछ देता है जो जुगनू में पाया जाता है। ठीक है तो याद रखिएगा लूसीफेरिन, कौन सा है? लूसीफेरिन एंजाइम होता है, लूसीफेरिन याद रहेगा, लूसीफेरिन एंजाइम होता है जो हवा में संपर्क से आने के बाद क्या होता है जल उठता है, उसके अंदर से एक स्पेशल पिगमेंट निकलता है जिसको लूसीफेरिन पिगमेंट बोलते हैं, और उसी से हमको दिखाई देता है कि वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है तो एक्चुअली में ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बायो संदीप्तंत, और एक चीज याद रखिएगा जो अभी बताया है लूसीफेरिन एंजाइम, ठीक है क्योंकि लूसीफेरिन एंजाइम से ही लूसीफेरेज पिगमेंट बनता है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें मृत्तिका शिल्प, मृदभांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ मैंने कहा कि जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं उनको भी रोग होता है, ठीक है जो लोग केमिकल वाला काम करते हैं उनको भी हमने देखा कि रोग होता है। ठीक है अच्छा कल मैं पढ़ाया था दोस्तों केमिकल वाला प्रश्न आपको, और कल पढ़ाया था कि परसों पढ़ाया था, एक दो दिन पहले बताया था आपको कि कौन सा रोग होता है यदि व्यक्ति जो है केमिकल के साथ काम करता है। ठीक है इस तरह के प्रश्न अक्सर करके आपको पढ़ाता रहता हूं, तो मैंने बताया था लीकेमिया वगैरह होता है। ठीक है आज कह रहा है कि जो मृत्तिका शिल्प, मृदभांड या कांच के उद्योग में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको किस संकट से गुजरना पड़ता है? तो याद रखिएगा यहां पर सिलिका आपको दिख रहा होगा, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो देखो सिलिका इसे कांच को बोलते हैं, ठीक है कांच की छोटी छोटी सिलिका आप देखते होंगे, बालू को भी बोला जाता है, तो मृत्तिका शिल्प, मृदभांड, सिलिका, कांच, इन सभी में सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए सिलिकोसिस इसे बन गया है, ठीक है तो सिलिकोसिस नामक रोग होता है, और जो सिलिकोसिस होता है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, लंग्स को, लंग्स माने होता है फेफड़े को, ठीक है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं, जो हम लोग खाते हैं नमक, अगर वो नमक छिड़क देते हैं तो केचुआ मर जाता है, कह रहा इसकी वजह क्या है? तो वजह बता रहा है कि परासरणी प्रघात है, या श्वसन विफलता है, या लवण का अविषालु प्रभाव है, या त्वचा के छिद्रों का बंद हो जाना। तो ज़्यादातर जो लोग हैं दोस्तों वो तीन और चार में उत्तर मारते हैं, कैसे? अगर उनको नहीं आता है ना तो देखिए तुक्का कैसे मारते हैं, वो सोचते हैं कि केचुआ पर नमक छिड़का जा रहा है, हो सकता है लवण का, नमक क्या होता है
तरह का लवण है, और नवा लवण का जो होता है अविषाणु प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो टिक करते हैं। दूसरा समझते हैं कि नमक का छोटा छोटा आकार में होना तो वो केचुआ के ऊपर जो छिद्र होते हैं शायद उनको बंद कर देता हो, इसलिए केचुआ मर जाते हो, ठीक है। याद रखिए दोनों कारण गलत हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है परासरणी प्रघात। क्या है? परासरणी प्रघात। याद रखिए परासरणी प्रघात काल जब केचुआ पर साधारण नमक डालते हैं, साधारण नमक को क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और ये छिड़कते ही वो क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है। तो ये परासरणी प्रघात की वजह से मरता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका 10 क्वेश्चन लगता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से है, ठीक है। आगे कह रहा है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? बताइए कांच पर अगर आपको कुछ लिखना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कांच पे कुछ लिखना है, कांच पर कोई डिजाइन बनानी है, कुछ लिखना है। अब देखते होंगे आजकल कांच पे बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूट वाले अपना नाम लिखा लेते हैं या कुछ भी डिजाइन बनता है, वो सारा काम किससे होता है? HCl से। और कांच के टुकड़ों को काटा किससे जाता है? तो उसमें आगे हीरा लगा होता है। देखिए हीरा क्या करता है, वो कांच को आसानी से काट पाता है, तो बहुत छोटे में लगा होता है, याद रखिए। कह रहा है सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा। बताइए कब ये शून्य आयतन प्राप्त करती है? कोई भी गैस हो कब शून्य आयतन प्राप्त करती हैं? तो याद रखिएगा जब उसका टेम्परेचर घट करके -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब वो जो है क्या होती हैं, वो तब उसका तापमान शून्य आयतन प्राप्त करेंगी। शून्य आयतन मतलब क्या होता है कि परम ताप, परम शून्य ताप से जब गुजरेंगी तभी ऐसा होता है, और परम शून्य ताप इसी को कहा जाता है। परम शून्य ताप मतलब नहीं कि शून्य हो जाएगा, शून्य मतलब क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा अम्ल बदल देता है, अम्ल जो होता है वो क्या करता है? तो आपको आपको पता, अच्छा पता है, लाल को नीला करता है, नीला को लाल करता है, या लिटमस का रंग नहीं बदलता? ये तो गलत है, आप सभी को पता है बदलता तो है, लेकिन लाल से नीला में कि नीला से लाल में, पहले ये बताइए। बताइए अम्ल क्या करता है? तो याद रखिए अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को दोस्तों लाल में बदल देता है। सोचो लाल को नीले में बदलना आसान काम है, लेकिन नीला को लाल में बदलना ही मुश्किल काम है कि नहीं, और बड़ा मुश्किल काम करता है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल में बदल देता है, ठीक है। अच्छा, ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, जाहिर सी बात है खट्टा होगा, अम्ल है तो खट्टा ही होगा, ठीक है, और बस सिंपल सी चीज़ है। तो कम से कम इतनी बातें जो है दोस्तों आप याद रखिए। अच्छा, अम्ल का स्वाद अगर आपसे पूछे तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो जो क्षार होता है उसका स्वाद तीखा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीला में बदलता है। याद रखिए क्षार लाल को नीला में बदलता है, यहाँ पे क्षार लिख दे रहा हूँ, और नीले को लाल में कौन बदलता है? तो यहाँ पे अम्ल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर, मान लीजिए आपका कोई चीनी का घोल है, सीरा है, जिसको आप सीरा बोलते हैं, कह रहा उसका ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसकी विलेयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा गाढ़ा होगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ज़्यादा खोलाएंगे तो पानी वहाँ से तो वाष्पित हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा, तो बचेगा वो और गाढ़ा हो जाएगा जो द्रव होगा, ठीक है। तो याद रखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चीनी की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। कह रहा है कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? अभी पीछे आपको बताया हूँ, तो कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा, ठीक है, हीरा का प्रयोग अक्सर करके शीशे को काटने या छिद्र करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे है ग्रेफाइट वगैरह दे रहा था, इसका मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा, या पेंसिल के बीच में जो काला वाला हिस्सा होता है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये सब याद रखिए, वो भी कार्बन का प्रूफ है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? अब जाहिर सी बात अगर आप कार्बनिक यौगिक की बात करें, अकार्बनिक तो बोल नहीं रहे, कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो रहेगा ना, बिना कार्बन का कार्बनिक यौगिक कैसा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। आगे है एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? बताइए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा का, बीटा का, गामा का, या इन सभी का? याद रखिए जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है दोस्तों वो इन सभी का उत्सर्जन करता है, उसके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा सभी तरह की रेज निकलती हैं, ठीक है, तभी तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। करा निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो कन्फर्म होगा, और कार्बनिक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? करा साधारण नमक, इसको तो NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं,
कह रहा है प्रोटीन, क्या प्रोटीन में कार्बनिक यौगिक होता है? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिए बिना कार्बनिक यौगिक का प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता, तो प्रोटीन तो एकदम कंफर्म है। संगमरमर ये अलग है दोस्तों, ठीक है, और वाशिंग सोडा तो एकदम अलग है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा जो, वो हो जाएगा प्रोटीन। कह रहा है ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आप लोग ऊब गए होंगे इस तरह के प्रश्न, आपको पता होगा दोस्तों कपूर इसका उदाहरण है, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब बताइए ऊर्ध्वपातन का ऑप्शन ही नहीं दिया, अब क्या बोलोगे? ठीक है अब बताओ, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं ना, तो अब बताइए ऊर्ध्वपातन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करेंगे? करा वाष्पीकरण ये तो सर हो नहीं सकता है, हिमानी हिमीकरण और ये भी नहीं हो सकता, संपीड़न हो सकता है या उदात्तीकरण हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादातर लोग जाएंगे संपीड़न की तरफ और हो जाएंगे गलत, ठीक है। याद रखिए ऊर्ध्वपातन को क्या बोला जाता है? उदात्तीकरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में देखिए सेम मीनिंग होती है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन पढ़ लिया करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसमें ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। आगे कह रहा है कि किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, पहला कह रहा है विरामावस्था, दूसरा कह रहा है जड़ता, तीसरा कह रहा है मृत भार, चौथा कह रहा है अक्रियाशीलता। अक्रियाशीलता तो क्या होता है, इसी को तो जड़त्व तो बोलते हैं, जो किसी बाहरी बल का विरोध करे। कल भी पढ़ाया था और आज फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए जड़ता ही जड़त्व तो होता है, ठीक है, जड़ता ही जड़त्व तो होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अगर रेलगाड़ी जो होती है चलती हुई रहती है तो अचानक खुलने पर, हाँ ठीक है, यात्री जो होता है अगर सॉरी अगर स्टार्ट होती जैसे गाड़ी या रेलगाड़ी, तो जैसे ही स्पीड बनाती यात्री पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है, और जब रुकती है तो यात्री क्या होता है आगे की ओर आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जड़ता की वजह से, ठीक है, याद रखिए जड़ता की वजह से, कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक जनरेटर, एक जनरेटर क्या करता है भाई, क्या क्या चेंज करता है? कल मैं विद्युत मोटर के बारे में बताया था, तो विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर जिसमें आप हैंडल मारते हो शादी वगैरह में लगा रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बनती है क्योंकि ये मूव करता है और यहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है, और तभी तो बिजली सप्लाई होती है। तो याद रखिए यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, जबकि जो घर में पानी वाला मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, याद रखिए ऊर्जा कभी क्षय नहीं होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है डायनमो क्या करता है, ठीक है, डायनमो तो याद रखिए डायनमो हो चाहे फिर आपका मोटर हो एक ही बात है, डायनमो मो से मोटर, दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर हो गया डायनेमो हो गया ये बदलते हैं, मोटर अलग होता है, मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। आगे देखिए, अच्छा सोलर सेल का नाम सुना होगा, सोलर सेल क्या करता है, तो सोलर सेल छत पे लगा होता है तो जाहिर सी बात है कि सौर ऊर्जा को चेंज करेगा, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करके दे देता हमें विद्युत ऊर्जा में, है कि नहीं। अच्छा ट्यूबलाइट जो घर में लगी होती है क्या करती है, इसको विद्युत मिलती है तो विद्युत ऊर्जा को बदल देती है प्रकाश ऊर्जा में, क्यों होता है ना। इसी तरह अगर मैं बात कर दूँ सितार का, सितार जो बजाया जाता है वायलिन सितार उसकी बात कर रहा हूँ, सितार क्या करता है, तो सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगा क्योंकि उस पर आप काम कर रहे हो, काम करोगे तभी निकलेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल दे रहा है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, समझ रहे हैं। माइक्रोफोन जो आप लेके बात करते हैं वो क्या करता है, वो आपकी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उल्टा करता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, समझ रहे हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आप याद रखिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ऐसे करके इतना याद रखिए, मतलब आप पढ़े होंगे तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। करा ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा भाई बताओ ध्वनि के ऊपर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो, मतलब फालतू का क्वेश्चन दिया है कुछ नहीं। देखिए कह रहा दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की, अच्छा दबाव बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, ऐसा कभी सुना है? दबाव से क्या मतलब है ध्वनि का, दबाव रहेगा तभी आप बोलोगे दूसरों को सुनाई देगा, जैसा होगा वैसा करेगा, तो मतलब ये तो फालतू ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए सी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित ही नहीं होती है, ध्वनि का दबाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई दूर दूर का संबंध ही नहीं है इसका। करा जिस ताप पर यहाँ पे लिखिएगा जिस तापमान पर तरल का सॉरी तरल के वाष्प का दाब ठोस से वाष्प के बराबर, क्या लिख रहा है समझ नहीं आ रहा है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव या दाब ठोस से वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक मिनट
तरल के वाष्प का दाब ठोस से वाष्प के बराबर होता है। ओहो ओहो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एकदम इत्मीनान समझिएगा। सिंपल सा मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव जो है ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर करते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो याद रखिए दोनों के, यहाँ पर बोलना ना बराबर, याद रखिए तब हम उसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। क्या नाम देते हैं उसको? याद रखिए उसी को हम हिमांक बिंदु कहते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया, पहले समझिए हिमांक क्या होता है। हिमांक की अगर परिभाषा मैं आपको बताऊं तो होता है कि किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है। दाब की बात कर रहा है, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हिमांक। जैसे अगर हम बात कर दें, जैसे आप बर्फ़ वगैरह का देख लो तो बर्फ़ का हिमांक जो होता है -0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस उस पर वो जम जाता है, ठीक है। इसी तरह से होता है, और दबाव का एकदम इसके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जब दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ता है। याद रखिए दबाव बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, दबाव बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, दबाव घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। ये सब याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिमांक बिंदु। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी तो ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आप एक मोटी मोटा क्वेश्चन आंसर देखते चलिए। करा एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, मतलब वो अपने अंदर क्या है जिसमें अपने आप को तौला जाता है, उस वजन पैमाने को लेकर खड़ा है, और करा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है पैमाना जो है वजन को अधिक दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर लगातार अप डाउन हो रही है सामान्य गति से तो उसके वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऊपर जा रही तो वजन बढ़ेगा, नीचे जा रही तो वजन घटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पैमाना वजन को अधिक दिखाएगा, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि जब कोई पिंड नीचे की तरफ आती है, लिफ्ट नीचे आती है तो पिंड का भार घटता है, और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ता है, लेकिन जब एक समान वेग से ऊपर नीचे करती है तो पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और यदि लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे आने लगे तो फिर पिंड का भार क्या हो जाएगा? भारहीनता का अभाव करेगा। इतना प्रश्न आप यहां याद रखिए। करा इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है, चलिए बताते हैं। अपघटन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, या ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, तो ये तो हाइड्रोलिसिस ही होता है। तो कह रहा है कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। दोस्तों मुझे लग रहा है सिंपल सी है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि बाकी तो रासायनिक है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसको आप भौतिक प्रक्रिया बोल सकते हैं। क्यों भौतिक प्रक्रिया बोल सकते हैं? याद, अच्छा भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होता क्या है पहले बताइए। भौतिक प्रक्रिया माने होता है कि जो भी प्रतिक्रिया होगी उसका पुनः चक्रण होता है, भौतिक में पुनः चक्रण होता है, यानी वो अपने मूल रूप में लौट सकता है। जैसे बर्फ है तो बर्फ को आपने पिघला दिया, ठीक है, वो द्रव बन गया, द्रव द्रव को आपने क्या कर दिया, जमा दिया, बर्फ बन गया। तो ये क्या है, एक तरह की भौतिक प्रक्रिया है, पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में आवागमन हो सकता है, भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक में याद रखिए पुनर्चक्रण नहीं होता है। जैसे कागज एक बार जल गया तो जले हुए से कागज बना दोगे क्या? दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बना दोगे क्या? अगर दही से दूध बनने लगता तो मार्केट से लोग दही खरीद के दूध ना बना लेते हैं? नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दूध से घी बन सकता है, घी से दूध थोड़े बनेगा, है कि नहीं? तो ये होता है रासायनिक प्रक्रिया। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। कह रहा है लोहे की जंग एक तरह की किस तरह की प्रक्रिया है? लोहे की जंग दोस्तों भौतिक है कि रासायनिक है? जंग, अगर लोहे में जंग लग गया तो क्या उस जंग से लोहा बना दोगे? कभी नहीं। जंग से लोहा बनने लगता तो लोग लोहे को हटाते क्यों? हैं, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसे हटा देते, उसे खराब मान लिया जाता है। तो ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। तो एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया है, नहीं पुनर्चक्रण होगा नहीं, सिंपल सी बात है। यानी लोहे में जंग लगना एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया है। और जंग लगने से एक चीज़ और याद रखिए, जंग लगने से हमेशा लोहे का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है, जंग लगने से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगने का जो कारण होता है वो नमी होता है, नमी, और नमी उसको मिलता है कहाँ से? वायुमंडल से, जिसके कारण होता है। और अगर इसको बचाना है, कभी कभी पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो याद रखिए उसके लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको, ये याद रखिएगा। करा किस तरह के कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है बताइए। करा प्लास्टिक बैग में, अब प्लास्टिक बैग में कार्बन थोड़े होगा, क्यों? ठीक है, प्लास्टिक बैग में कार्बन थोड़े होगा। अच्छा दूसरा कह रहा है कि धातु में, कभी नहीं होगा। सब्जी के छिलके में, याद रखिए दोस्तों सब्जी के छिलके जो होते हैं एक तरह के कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं। और आपने देखा होगा आपके यहाँ जो है ग्रीन और ब्लू
दो तरह के कचरे वाला बॉक्स आपने देखा होगा, आप शहरों में घूमेंगे दो तरह के कचरे वाला बॉक्स आपको दिखेगा, एक ग्रीन होता है एक ब्लू होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ग्रीन मतलब होता है वहाँ पर ऐसा चीज़ डालिए जिसका खाद बन सके, मतलब जो ज़मीन में जा करके उसका चक्कर हो सके, मतलब वो समाप्त हो सके, और जो न समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं जैसे बोतल हो गया, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, जैसे कोई टूटा फूटा सामान हो गया, वो जो सामान हैं आपको ग्लास हो गया, वो सब आपको कहाँ, वो सब आपको नीले वाले में डालना चाहिए, हरे वाले में जो याद रखे जो गल जाए, ठीक है, उसको तो वो अपशिष्ट वाले होते हैं, तो सब्जी के छिलके इसमें, बाकी तीन इसमें जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों ये फैराडे के नियम पर काम करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो एसी जो हाई वोल्टेज होता है उसको निम्न वोल्टेज में बदलता है, यानी उच्च एसी को निम्न एसी में चेंज करता है। याद रखें ट्रांसफार्मर का प्रयोग कभी डीसी में नहीं हो सकता, ये गलती आप मत करिएगा, एसी में होता है, खाली वो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में चेंज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये फैराडे के नियम पर आधारित है, या हम सीधे फीधे कह दें कि फैराडे ने कौन सा नियम दिया था तो उसका नाम भी आपको दे सकता है यहाँ पर। तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जिसमें हम हाथ की अंगुली की दिशा कुछ इस तरह से करते हैं ना, ऐसे बना के, ठीक है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश उत्सर्जक, उत्सर्जक होगा उत्सर्जस नहीं, उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन। टेलीविजन क्या छोड़ता है दोस्तों, आप समझिए पहले क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इतना कठिन शब्द क्यों दे दिए, सीधे फीधे बोले होते लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, यानी जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, याद रखिए, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कह रहा है जो एलईडी होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होता है, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेलीविजन को ले लीजिए, तो टेलीविजन क्या छोड़ता है, तो टेलीविजन जो होता है दोस्तों ये रेडियो तरंगे छोड़ता है, अगर हम टेलीविजन की बात करेंगे तो ये क्या छोड़ता है, रेडियो तरंगे छोड़ता है, बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है दबाव का, तो दबाव का क्या होता है, ऐसे तो हम लोग पास्कल पढ़ते हैं, क्यों दबाव का हम लोग पास्कल पढ़ते हैं, बट यहाँ पास्कल नहीं है, यहाँ पास्कल नहीं, यहाँ एसआई यूनिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और एसआई यूनिट होता है, याद रखिए, न्यूटन वर्ग सेंटी सॉरी न्यूटन वर्ग एसआई पूछ रहा ना, तो सेंटीमीटर कर सकते हैं, और सेंटीमीटर तो यहाँ पे दे नहीं रहा है, तो इसको कर सकते हैं न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सेंटीमीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर ही होता है, एक बार दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन ये नहीं हो सकता, न्यूटन वर्ग प्रति मीटर, नहीं, प्रति लगाना तो जरूरी है, और ये तीसरा वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए यहाँ पर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, ये सही है दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वैसे देखिए कुछ क्वेश्चन पे जब मुझे डाउट होता है ना, मैं सीधा बोल देता हूँ, भाई देखो मैं गूगल नहीं हूँ, ठीक है, जो मुझे आता है वहाँ तक, ठीक है, जो जहाँ भी मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगता है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए आज के लिए मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है, और इसका उत्तर आपको बताना है कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, ऐसे तो हम पास्कल जानते हैं, बट इसके अलावा दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके। चलिए इसी के साथ दोस्तों सीरीज समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आप डेली ज्वाइन करेंगे और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर बैठेंगे, टेस्ट देंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं आपको फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी विषयों की क्लास दी जाती है, तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस तरह की कुल तीन सीरीज हम लोग चलाते हैं, जिसमें करंट अफेयर, जीएस टेस्ट और साइंस की टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप तीनों ज्वाइन करिए, तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ओके। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिएगा, प्लस कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।